हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कर लिया था? 31 तक कंप्लीट कर लिया था। ये क्वेश्चन नंबर 34 करेंगे, 35 करेंगे, 36 करेंगे। क्लियर? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। 34 करेंगे, ए गिवन है 3.1, 4, 34, 3.1, 7.5। ठीक, पहले हमें करना क्या है, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स आई इक्वल्स टू वाई ए। एक्स और वाई फाइंड करने देंगे इनवर्स निकाल। एक्स और वाई कैसे फाइंड होंगे? 34 एक्स की वैल्यू एट वाई की वैल्यू ए स्क्वायर निकालो भाई। ए स्क्वायर आ जाएगा आपका 3175। ए स्क्वायर आएगा ए इंटू 3175। ये आ जाएगा 3 3 9, 1 × 7 7, 3 + 5, 7 3 21, 7 3 21 और 7 5 35, 7 7 5 5 21। ये आ गए 9 7 60 8 56 30। ये आपका ए स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स आई इक्वल्स टू वाई ए। ए स्क्वायर है 16 8 56 32 प्लस एक्स 1 0 0, वाई ए की वैल्यू कितनी है 3 1 7 5। सॉल्व करेंगे सर, 16 18 56 और 32, एक्स 0 0 x, ये आ गया आपका 3 y, वाई 7 y और 5, 16 + x 18 56 32 + x, 3 y y 7 y 5, कितना आ गया? y की वैल्यू कितनी है यहाँ से? 8 है। y की वैल्यू 8, चेस से कंपेरिजन करो, 32 y क्लियर हो गया, भाई 8 आ गया। कंपेरिजन करो इससे, y की वैल्यू कितनी है? 8 है, 7 y = 56, तो y आ गया। यहाँ तक आ गया सुन में, a से a स्क्वायर निकाला, a स्क्वायर प्लस एक्स आई माइनस वाई में, a स्क्वायर की वैल्यू यही, x i की वैल्यू कितनी होती है 1 0 0, वाई ए की वैल्यू 3 1 7 5 दे रखी है। या क्या एज इट इज मल्टीप्लाई करिए एक्स की, एक्स 0 0 x, वाई की मल्टीप्लाई कर दी, उसके बाद उसको ऐड कर दिया 16 + x 8 + 0 8 56 32 + x। दोनों तरफ कंपैरिजन कर लो, वाई की वैल्यू 8 है, चाहे यहाँ से निकाल लो, अब ये 5 y 3 y = 16 + x, वाई की वैल्यू पुट करो 3 × 18 = 16 + x, एक्स आ गया आपका 24 - 16, तो एक्स कितना आ गया, एक्स भी 8 आ गया, वाई भी 8 आ गया, यह आंसर तो सही आ गया। हमें निकालना है ए स्क्वायर प्लस ए इनवर्स निकालना है, ए स्क्वायर प्लस 8i + 8a, मल्टीप्लाई कितनी करनी पड़ेगी ए इनवर्स की, है ना, याद आ गया, मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स, मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स, ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स प्लस 8i × a इनवर्स इक्वल्स टू 8a × a इनवर्स। ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स कितना होता है? 8 प्लस के 8i × a इनवर्स ए इनवर्स इक्वल्स टू 8i, 8a इनवर्स हो जाएगा आपका, 8i कितना होगा 1 0 0 1 - 8, ए उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो आ जाएगा आपका 3 1 7 और 5, 8a इनवर्स आ जाएगा, 8 में से 3 जाएगा तो 5, माइनस के 1, यह आएगा माइनस के 7, और 8 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा 3,
ए इनवर्स आ गया आपके पास 1/8 फाइव माइनस वन माइनस के सेवन क्लियर 1/8 फाइव माइनस वन माइनस के सेवन दोबारा समझ लेते हैं इसे ए गिवन था पहले हमने स्क्वायर किया ए इंटू ए करा फिर ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट करी इक्वेशन में एक्स आई की वैल्यू पुट करी वाई ए की वैल्यू इसको सॉल्व किया वाई एट आ गया एक्स भी एट आ गया एक्स की वैल्यू यहाँ पे एट पुट करी वाई की वैल्यू यहाँ पे एट पुट करी इसमें ए इनवर्स की मल्टीप्लाई कर दी ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स एट आई इंटू ए इनवर्स प्लस एट ए इंटू ए इनवर्स ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स कितना आएगा ए आई इंटू ए इनवर्स कितना आएगा ए इनवर्स ए इंटू ए इनवर्स कितना आएगा आई एट ए इनवर्स एट आई कितना है 1001 माइनस है इसमें से माइनस करके आंसर आ गया ए इनवर्स आ गया 1/8 इनवर्स ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर आपको कौन सा हो गया 34 35 ऐसे होगा वो अपने आप करना है 36 में भी पहले आपको ये प्रूफ करना है प्रूफ कर लोगे जो प्रूफ करके आएगा फिर उसके बाद आपको ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी है तो निकाल लेना नहीं होगा तो मुझसे कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लेना मुझसे यह कर दे क्वेश्चन नंबर 36 चलो 36 कर देते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 36 ध्यान से कॉपी करेंगे 1, 0, -2 -2 -1 और 2 3, 4 और 1 मुझे प्रूफ करना है ए क्यूब माइनस का ए स्क्वायर माइनस का 3a माइनस का आई इक्वल्स टू 0 वैसे ही आप कर लोगे प्रूफ 1 0 -2 -2 -1 2 3 4 पहले ए स्क्वायर निकालें ए स्क्वायर आएगा ए इंटू ए 1 0 -2 -2 -1 2 3 4 और 1 इसी मैट्रिक्स के इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 0 -2 -2 -1 2 3 4 और 1 इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो कितना आएगा 1 0 -6 इसके इससे होगी तो कितना आएगा 0 0 -k कितना आ गया -5 भी तुम डायरेक्ट इसके इससे होगी तो कितना आएगा -k2 0 और -k2 तो -4 इसके इससे करते तो कितना आएगा -k2 +k2 और 6 तो 6 आएगा -2 +2 कट जाएंगे 6 इसके इससे करते हैं 0 1 0 1 और 8 कितना आएगा 9 इसके इससे करेंगे तो कितना आएगा 4 -k2 4 -k2 और +k2 4 आएगा लास्ट में इसके इससे करेंगे कितना आएगा 3 -k8 +3 -k2 इसके इससे करेंगे कितना आएगा 0 -k4 +k4 0 इसके इससे करेंगे कितना आएगा -k6 +8 +1 कितना आएगा यह आपका ए स्क्वायर आ अब ए स्क्वायर आने के बाद ए क्यूब निकालेंगे ए क्यूब कैसे निकलेगा ए स्क्वायर इंटू ए यह आएगा आपका -k5 -k8 -k4 6 9 और 2 -k2 0 3 इंटू ए ए कितना है 1 0 -k2 -k2 -k1 और 2 3 4 और 1 करें मल्टीप्लाई इसकी तो आ जाएगा दिस इंटू दिस -k5 +k16 -k12 -k5 +16 -k12 इसके इससे करेंगे कितना आएगा 0 8 दिस इंटू दिस 0 8 -16 पहली रो दूसरा रो फिर इसकी इससे कितना आएगा 10 -k16 -k4 इसके इससे करेंगे कितना आएगा 6 9 2 18 4 3 12 इसके इससे करेंगे कितना आएगा 0 -k9 +16 -k9 +16 इसके इससे करेंगे कितना आएगा -k12 9 2 18 +4 1 4 इसके इससे करेंगे कितना आएगा -k2 0
और 3 3 9, इसके इससे करेंगे कितना आएगा 0 0 और 4 3 12, इसके इससे करेंगे कितना आएगा 4 0 और 3, ये आपके पास ए क्यूब आएगा। तो ए क्यूब की वैल्यू आ गई आपके पास 16 प्लस 5 माइनस के 12 प्लस माइनस 5 माइनस के 17, तो माइनस का बना माइनस के 8, माइनस के 20, माइनस के 10, 12 और 8 16 जी 16 माइनस 9 7, 12 प्लस 8 22 10 आ गया 7, 12 और 7, यहाँ आपके पास एक हुआ। अब मुझे प्रूफ क्या करना है, ए क्यूब माइनस के ए स्क्वायर माइनस के 3 और माइनस का आई का आंसर 0 लाना। ए क्यूब कितना आएगा देखो, -1 माइनस का 8 माइनस का 10 0 7 और 10 7 12 और 7 माइनस का ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का 0 माइनस के 5 माइनस 8 माइनस 1 6 9 और 4 माइनस का 2 0 और 3 माइनस का 3 ए कितना आएगा, ए 1 0 माइनस के 2 माइनस के 2 माइनस के 1 और 2 3 4 और 1, उसके बाद माइनस आई, आई कितना है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, चेक करें 0 आया नहीं आया, देखो माइनस के 1 और माइनस के 5 ये आ गया माइनस के 3, माइनस के 3 और माइनस के 1 माइनस के 4 और वो 5 आ गया, माइनस के 1 माइनस के 3 माइनस के 1 माइनस के कितने हो गए 6 हो गए, माइनस के 5 0 आ गया, माइनस के 8 प्लस के 8 0, माइनस के 10 प्लस के 4 माइनस का 6 प्लस का 6 0 0 माइनस के 6 प्लस के 6 0 7 माइनस के 9 माइनस के 2 माइनस के 2 और प्लस के 3 1 1 माइनस 1 0 10 माइनस 4 6 माइनस 6 0 7 माइनस 2 5 5 माइनस 9 कितना आएगा, नहीं 7 प्लस 2 9 9 माइनस 9 0 12 माइनस 12 0 7 माइनस 3 4 और 4 माइनस 3 1 1 माइनस 1 0 हो गया प्रूफ। अभी ए इनवर्स को निकालना है, आधा क्वेश्चन हुआ है, ये देखो यहाँ तक तो आप खुद कर लो, मैं सिर्फ आपके कर रहा हूँ, पहले ये दे रखा था ए स्क्वायर निकाला, ए स्क्वायर आ गया, फिर ए क्यूब निकालना था, ए क्यूब आया ए स्क्वायर इंटू ए सी, ए स्क्वायर इंटू ए सी, ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब आ गया। ए क्यूब आने के बाद ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर माइनस सी माइनस आई में वैल्यू पुट कर लिया, उससे 0 प्रूफ हो गया। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे प्रूफ करना है ए इनवर्स निकालना, देखो स्टार्टिंग अलग करूँगा, ए स्क्वायर की वैल्यू चाहिए अभी हमें, ये स्क्वायर की वैल्यू है ध्यान रखना, और ए क्यूब की वैल्यू है, ए क्यूब माइनस का ए स्क्वायर माइनस का 3 माइनस का आई मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स, मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स कितना आएगा, ए क्यूब इंटू ए इनवर्स ए स्क्वायर माइनस का ए माइनस के 3 आई माइनस का ए इनवर्स, भाई ए क्यूब इंटू ए इनवर्स करोगे ए की पावर कितना आएगा 2, ए की पावर 2 इंटू ए इनवर्स करूँगा तो कितना आएगा ए माइनस के 3, ए इंटू ए इनवर्स करूँगा तो कितना आएगा आई माइनस का आई इंटू ए इनवर्स करूँगा तो कितना आएगा ए इनवर्स, तो आ गया आपके पास ए इनवर्स इक्वल्स टू, उधर जरा के प्रश्न हो गया, ये आ गया ए स्क्वायर माइनस के ए माइनस के 3 आई, ए स्क्वायर की वैल्यू आपके पास है, कोई दिक्कत यहाँ तक, ए स्क्वायर माइनस के ए माइनस के 3 आएगा, इससे इनवर्स आ जाएगा आपके पास, ए स्क्वायर आ गया आपके पास, ये रहा ए स्क्वायर,
माइनस के फाइव, माइनस का एट, माइनस के फोर, सिक्स नाइन और फोर, माइनस के टू जीरो थ्री, माइनस का एट, ए कितना है वन जीरो माइनस टू, माइनस टू माइनस वन और टू, थ्री फोर और वन, माइनस थ्री, आई कितना है वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन। सॉल्व कर लो सर, ये आगे माइनस के फाइव, माइनस के वन और माइनस के थ्री, कितना हो गया माइनस के नाइन हो गया, माइनस के सिक्स, माइनस के नाइन, माइनस का एट, ये भी जीरो ये भी जीरो, माइनस का फोर प्लस टू, माइनस के टू, माइनस का टू आ गया, सिक्स प्लस टू एट, एट ही आ गया, नाइन प्लस वन टेन, टेन माइनस थ्री सेवन, फोर माइनस टू टू, टू ही आ गया, माइनस के टू, माइनस के थ्री, माइनस के फाइव, जीरो माइनस फोर, थ्री माइनस वन टू, और टू माइनस थ्री माइनस फाइव, ये आपका एक आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, माइनस के नाइन, माइनस के एट, माइनस के टू, एट सेवन टू, माइनस फाइव, माइनस फोर, माइनस फाइव, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, मेन चीज देखो आपको ये आती है सवाल, यहाँ पे इनवर्स की मल्टीप्लाई करिए, ए क्यूब इंटू इनवर्स माइनस का ए स्क्वायर इंटू इनवर्स माइनस का थ्री ए इंटू इनवर्स माइनस का आई इनवर्स इक्वल टू जीरो, ए क्यूब इंटू इनवर्स ए इनवर्स आ गया, यह है ए स्क्वायर, यह है माइनस का ए, यह है माइनस के थ्री आई ए इनवर्स की वैल्यू, ए स्क्वायर की वैल्यू पुट करिए माइनस ए की वैल्यू पुट करिए थ्री आई की, सॉल्व करके ये आ गया आपका ए इनवर्स, तो आपका आंसर क्लियर। एक लास्ट क्वेश्चन जो प्रॉब्लम पूछी है, आपका चैप्टर नंबर 7 फिनिश हो गए, क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कॉस अल्फा साइन अल्फा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा इंटू ए ट्रेंड ऑफ ए, ट्रेंड ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई, कितना आएगा इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस के साइन स्क्वायर अल्फा, ये आपका कॉस स्क्वायर अल्फा है, क्लियर। ये क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज का, आपका चैप्टर 7 फिनिश हो गया इस क्वेश्चन के बाद। अब ए एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, यह आएगा आपको कॉस अल्फा, इसको छुपाएंगे कितना आएगा दिस इंटू दिस, यह आएगा साइन दिस इंटू दिस, कॉस अल्फा ही आएगा, या माइनस साइन अल्फा आएगा, माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, इसका ट्रांसपोज कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, पहले हम प्रूव करना है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई, डिटरमिनेंट ऑफ ए आया कॉस टू अल्फा, आई होता है 1001, तो ये आ गया आपके पास कॉस टू अल्फा 00 कॉस टू, एक पार्ट आ गया आपके पास। अब ए इंटू ए जॉइंट ऑफ ए, ये कितना है कॉस अल्फा साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, एडजॉइंट ऑफ ए का है कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, माइनस का साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ये ए की वैल्यू पुट करिए एडजॉइंट की वैल्यू पुट करिए दोनों की मल्टीप्लाई करिए, कितना है कॉस इनटू कॉस, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस के साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस के कॉस अल्फा साइन अल्फा, दिस की मल्टीप्लाई करनी है इसमें, माइनस के कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस के साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये आ जाएगा देखो, ये कॉस टू अल्फा क्या है, इसकी मल्टीप्लाई करूँगा साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस के कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये आ जाएगा माइनस के साइन स्क्वायर अल्फा
प्लस कॉस स्क्वायर तो क्या प्रूफ, ये कॉस ट्वेल्व आ गया, ये जीरो आ गया, ये जीरो, एक पार्ट अपने आप करना है एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए सेम आ जाएगा। डिटरमिनेंट में तीन चैप्टर थे, चैप्टर सिक्स आपका फिनिश हो गया, चैप्टर सेवन आपका फिनिश हो गया, कल आपका चैप्टर एट फिनिश हो गया। थैंक यू, इसकी आपको पिक भेज दूंगा।